खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और अधिक बातचीत करने के लिए चर्चा के दौरान इस वक्त हमारे साथ झारखंड राज्य वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से झारखंड में मामले बढ़ रहे हैं। वजह एक बताई जा रही है, वो है प्रवासी मजदूरों का झारखंड पहुंचना। आज अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 52 नए मामले सामने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको लोगों से जोड़ने के लिए जी। आपने जो आंकड़े दिए हैं वो सही आंकड़े हैं और आपने जो कारण बताए हैं हम भी यही महसूस करते हैं कि प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस इन्फेक्शन को कैरी करके आ रहे हैं। और जब यहाँ उनका टेस्टिंग होता है, यहाँ हम लोग टेस्ट करते हैं उनका, तो तरीके भी संदेह होता है उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, और जिस पर संदेह नहीं होता है ठीक पाया जाता है सभी तरह से उसको घर में क्वारंटाइन के लिए भेज देते हैं। तो व्यवस्था चल रही है। और अभी जैसा कि आपने कहा कि 764 हो गए हैं और मृत्यु अभी हुई है, तो ये हम लोग का मानना है बहुत वो नहीं, लेकिन एक आम चर्चा होती है, आम लोग की राय यही है कि झारखंड में ये इन्फेक्शन अन्य जगहों की तुलना में कमजोर है। इसीलिए हो तो रहा है, इन्फेक्शन तो लग जा रहा है, कोरोना वायरस तो हो जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन लगातार हमारे प्रवासी मजदूर आए जी, पहले से ही तैयारी थी कि प्रवासी मजदूरों को आना। झारखंड एक ऐसा राज्य था जहां पहली ट्रेन पहुंची थी प्रवासी मजदूरों को लेकर। तमाम इंतजाम किस तरीके से किए गए, क्योंकि मामले तो जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक वजह ये बताई जा रही है कि वहां पर टेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मामले आ रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ 8 लैब है पूरे राज्य में टेस्ट के लिए। किस तरीके से राज्य सरकार तैयार है, क्या तैयारियां, क्या रणनीति है इस वक्त झारखंड की? आपको आप दर्शकों से यही मैं कहना चाहूंगा आपके मार्फत से कि देखिए झारखंड जो विरासत में हम लोग को मिला था इस गठबंधन की सरकार को था, उसमें एक जगह टेस्ट था जमशेदपुर, बाकी हमारी सरकार ने जगह जगह आज 8 जगह हो गए, 8 जगह टेस्ट का व्यवस्था किया। ये क्रिटिसिज्म हो सकता है, आलोचना हो सकती है कि हाँ टेस्ट कम हो रहा है, लेकिन टेस्ट हो रहा है, पहले की तुलना में बहुत ज्यादा तैयारी हम लोग जल्दी जल्दी में बीमारी आई, पहले तो कुछ पता नहीं था। 23-24 तारीख को मार्च में हम लोग को पता लगा किस तरह की बीमारी आ रही है, जो विधानसभा चल रहा था तो विधानसभा हम लोग ने बंद किया, फिर 25 तारीख को लॉकडाउन ही हो गया, तो ये सब तैयारी हमारे इस मध्य में हुई है, इस मध्य में हुए, पहले कुछ नहीं था, इस मध्य में हुई है, इसमें दो मत नहीं है। अगर ये आलोचना को हम स्वीकार करने में हमको नहीं है कि जैसे कि हम लोग बढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी अभी जितना टेस्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसमें सच्चाई है। लेकिन रामेश्वर जी, ऐसा नहीं लगता जी कि लैब की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 8 लैब है और संख्या अब 1000 तक पहुंचने जा रही है? ये बढ़ाने की जरूरत है, हम लोग बढ़ा रहे जी, और लगातार जी हम लोग बढ़ाने की जरूरत है, इसमें दो मत जी 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 बोलिए जी। देख रहे थे हम जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जब समय ठीक था, जब शुरुआत की बात की जाए तब लॉकडाउन लगाया, अपने अनुसार सारे नियम कानून बनाए गए, लेकिन जब स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है तब सारा बोझ केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर डाल दिया। लेकिन लगातार मांग भी तो यही की जा रही थी कि राज्य हमेशा यही कह रहा था कि हम पे थोड़े फैसले छोड़ दीजिए, हम अपने अनुसार लॉकडाउन की तमाम नियम निर्धारण करेंगे, लेकिन अब जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अब केंद्र सरकार पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया है। मैडम, ये ठीकरा नहीं फोड़ा है, सच्चाई का बयान हुआ जी, सच यही जी, ये सच यही है कि पहले कम था, अगर पहले ही भेज दिए होते लॉकडाउन, अगर थोड़ा रुक के करते, हड़बड़ी में नहीं करते, फ्लैट में करते, तो अधिकतर मजदूर आ जाते,
और यहाँ सेफ रहते हैं, उनकी सेफ्टी बनी रहती है, उसको हम लोग देख लेते, खाना उन्हें खिलाते, उनके घरों में रखते। लेकिन जब बीमारी फैल गई, फैलती जा रही है, ऐसे में भारत सरकार लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दे रही है और बीमारी राज्य सरकार को। खाली यहाँ झारखंड की बात नहीं है, आप अखबार पढ़ें, सारे लोग यही कर रहे हैं कि भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी को अब राज्यों पर ले गई। हमने जरूर कहा कि जीवन के साथ जीविका को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उन पर कुछ छूट होनी चाहिए, लेकिन वैसे जगहों में जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। जैसे कृषि का क्षेत्र है ना, कृषि का क्षेत्र है, अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्शन है, आप बिल्डिंग बनते हुए जाके देख लीजिए, अलग अलग मजदूर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्षेत्रों को जीविका को चलाने के लिए आप उनको छूट दीजिए, उनको छूट दे दीजिए और जीविका भी चले, जीवन भी बचे, यही हम चाहते थे। लेकिन जब हमारी बाहर के लोग आ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, तो बीमारी लेनी चाहिए, बीमारी भारत सरकार को लेनी चाहिए, बीमारी लेनी चाहिए कि अभी लोग बहुत तकलीफ सा के बाद से आए हैं, 9 लाख 10 लाख जो भी हो संख्या उनकी, झारखंड के बात करूंगा मैं, आए हैं तो अभी उनको भोजन कराने की का संकट है राज्य सरकार है। तो भारत सरकार ने 2 महीने का दिया, मई और जून का दिया। मेरी मांग है, रामविलास पासवान जी से बात मेरी हुई पीसी के मार्फत से, मैंने कहा कि चिट्ठी भी लिखा है कि आप 6 महीने तक खिलाइए लोगों को, पूरे लोगों को यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी दे दीजिए, झारखंड के लोगों को, गरीब राज्य है ये, सबको दे दीजिए, है ना, समृद्ध लोगों को छोड़ करके सब गरीब को दीजिए अनाज, 6 महीने का दीजिए। 6 महीने इसलिए कर रहे हैं कि 6 महीने में अगली फसल आएगी, दिसंबर महीने अगली फसल आ जाती है, तब तक आ जाएगी और तब लोग अपने 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 से खाना शुरू करेंगे, अपना अनाज पैदा हो जाएगा, अपने से इसको कर सकेंगे। 6 महीने का राज्य सरकार इसको करे, भारत सरकार इसको करे, 6 महीने का राज्य दे। और फिर दूसरा ये कहना चाहते हैं कि छोड़ दिया गया, राज्य में तो भेज दिए लेकिन आपका मजदूरों को बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार सिर्फ राज्य सरकार ही दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो दीजिए, आपके पास पैसे नहीं है, उनका उनको जो उनके पॉकेट में उनका पॉकेट खाली है, अगर उनके पास पैसे रहेंगे तो बाजार से खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे और सामान करेंगे, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़े तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। ये तो अर्थशास्त्र का साधारण सा नियम है, इस पर भारत सरकार गौर करे, कर्ज नहीं दे, मनी लेंडर गवर्नमेंट नहीं बने, कर्ज नहीं दे, डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को दे, खातों में दे, जैसे कि जनधन योजना है, इसकी महिलाओं को दिया गया, महिलाओं को दिए, बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किया, इसमें दो मत नहीं है। पुरुषों को क्यों नहीं दीजिएगा, पुरुषों को भी, पुरुष भी तो गरीब है, उसको भी तो दीजिए, उसको भी दीजिए, हाँ 500 दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, ताकि खर्च सके, अपना पालन कर सके, बाजार में खर्चा करे, डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ेगा तो उत्पादन, निवेश, उत्पादन और रोजगार भी बढ़ेगा, ये कहना चाहता हूँ मैडम। रामेश्वर जी, केंद्र सरकार की तरफ से राहत पैकेज का भी तो ऐलान किया गया, कई सेक्टर्स में इसका डिवीजन किया गया, 4 दिन वित्त मंत्री ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका पूरा जिक्र किया कि किस किस सेक्टर में कितने कितने करोड़ रुपए इससे बांटे जाएंगे। अगर झारखंड की बात की जाए तो कितने फायदे इस राहत पैकेज से? देखिए, ये सब या तो बजट में, पिछले बजट में फरवरी महीने में जो बजट पास हुआ था जी, उसमें जो प्रावधानित राशि है उसी का बयान किया गया जी। दूसरा ये कि कर्ज भी दिया गया है ना, अब मान लीजिए कि खोमचा वाले को 5000 कर दीजिएगा तो 5000 कर्ज लेने की उसकी क्षमता है कि नहीं है, उसको अभी स्थिति ऐसी खराब है, उसको मिलेगा भी नहीं, बैंक वाला देगा कि नहीं, आपने तो फरमान जारी कर दिया। फरमान तो आप जारी किए थे कि सभी इंडस्ट्रीज जो है मजदूरों को रखेंगे, जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं हम सबको रखेंगे, खाना खिलाएंगे और मजदूरी देंगे, इस लॉकडाउन पीरियड का मजदूरी देंगे, हुआ क्या? खाली फरमान जारी करने से हो जाए तो ये जो अभी जो देख रहे हैं स्थिति, ऐसा होता नहीं है, सभी अपने कारखानों में रहते, मालिक उनको खाना खिलाते, ये भूखे प्यासे नहीं रहते, उनको मजदूरी मिलता 2 महीना 3 महीना जब तक लॉकडाउन रहता, मजदूरी मिलता, फरमान तो लागू हुआ नहीं, किसी ने माना नहीं। तो ये जो है बैंक को दीजिएगा, इसको 5000 देने का, 10000 देने का, बैंक पे कहाँ जाके बेचारे, सब अधिकतर पढ़े लिखे नहीं है, उनको दिक्कत होगी,
अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा डीबीटी के मार्फत उनके खाते में, आजकल सबका खाता है, उनको दे दीजिएगा तो उससे खर्च करेंगे, वो खर्च करेंगे, अपना रोजगार शुरू करेंगे, व्यवसाय शुरू करेंगे, छोटे छोटे व्यवसाय है, सबकी हालत खराब है। चलिए ठीक है, ये तो हुआ केंद्र सरकार की तरफ से तमाम आपने कही कि इस तरीके से करना। राज्य सरकार, झारखंड की सरकार क्या कर रही है? प्रवासी मजदूर पहुंचे हुए हैं, उनके रोजगार की जो व्यवस्था है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, उनके रहने खाने, क्योंकि हर चीज की समस्या प्रवासी मजदूरों को है इस वक्त, क्योंकि अपना कामकाज छोड़कर, जहां वो काम कर रहे थे, कर्म भूमि छोड़कर अब अपनी जन्मभूमि पे पहुंचे हैं। बहुत अच्छा कहा आपने, तो यहाँ की सरकार जागरूक सरकार है, अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेवार है, इस बारी हमारी है, हम जानते हैं, सबको टेस्ट कर, जो आ रहे हैं सबको टेस्ट कर, जो थोड़ा सा भी संदेह जिस पर हो उसको क्वारंटीन करा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, जो संदेह से परे हैं उनको घर में भेज रहे हैं, सलाह दे करके घर में ही आप रहिए, ज्यादा घूमिए फिरिए नहीं, क्वारंटीन हो जाइए, होम क्वारंटीन हो जाइए, इस सब व्यवस्था कर रहे हैं। आप फिर हम लोग 5 लाख लोगों को मनरेगा में काम दिए, 5 लाख लोगों को दे, सब काम लगे हुए हैं, अधिक अभी आ ही रहे हैं लोग, उनको भी देना है, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मनरेगा में हम लोगों ने बरसात आ जाएगा तो पेड़ पौधे लगाने का, गांव में जो खेल के मैदान है उसको ठीक करने का, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग जिम्मेवार सरकार चला रहे हैं, जिम्मेवारी को जानते हैं और हम और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं अपने सीमित साधनों के, भारत सरकार से इसीलिए हम कर रहे हैं कि मनरेगा के तहत जो राशि है उसको, मनरेगा के तहत जो 100 दिन का मनरेगा देना है उसको बढ़ाया जाए, उसको कम से कम 200 दिन किया जाए, ताकि बरसात के समय में जो उनको काम दें, उनको मजदूरी दें, उनके पॉकेट में पैसे दें, ताकि अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़े और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।